गग्गल में एक जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है उसको जो है पुलिस और स्थानीय ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं उनके द्वारा जॉइंटली जो है रेड किया गया। और काफ़ी लंबे अरसे से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की गई थी कि ये जो स्टोर है यहाँ पे जो है इलीगली जो है कॉन्ट्राबैंड्स, जिसमें NDPS प्रोविजंस के अंडर फॉल होने वाली ड्रग्स और साथ में कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स जिनको कंट्रोल्ड वे में सेल करना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते, इस तरह की ड्रग्स जो है सेल की जा रही थी। और इसी इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप करते हुए जो पुलिस टीम द्वारा जो है इनकी होमवर्क किया गया, और ये भी पता चला कि इस शॉप के साथ ही एक स्टोर भी है जो यहाँ के जो लाइसेंस होल्डर है उनके द्वारा इस एरिया में जहाँ से ड्रग्स का सप्लाई होता है, तो जो कि जेन्युइन लीगल वे से जो सेल किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, और जो इलीगली सेल किया जा रहा था और जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जिन ड्रग्स को सेल नहीं किया जा सकता है, ऐसे ड्रग्स भी वहाँ पे पाए गए। और ये जो पूरी रेड और इंस्पेक्शन है ये कल करीब जो है 8 घंटे जो है उस एरिया में लगातार कंटिन्यूसली ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम में DSP कांगड़ा अंकित, SHO कांगड़ा संजीव जी और उनके साथ SP ऑफिस की टीम्स, इन्होंने इस कार्रवाई को वहाँ पे कंप्लीट किया। और सीजर्स के दौरान जो NDPS के तहत ट्रेमेडॉल, एटीजोलम, स्टोपेलम, साइकोजेन, इस तरह के ड्रग्स मिले, और कुछ ड्रग्स जो कि NDPS के प्रोविजंस में तो नहीं आते लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के वायलेशन में वहाँ पे पाए गए। तो कुल जो सीजर हुआ है इसमें 925 टैबलेट्स, जो कि नेट वेट अगर उनका देखा जाए तो 128.76 ग्राम्स, और 10 इंजेक्शंस ट्रेमेडॉल जिसके 2 ml का पर इंजेक्शन जो है वहाँ पे सीज किया गया, जो कि पुलिस केस का सीजर है और NDPS एक्ट के सेक्शन 22, 61, 85 NDPS एक्ट में इसको सीज किया गया। और ये FIR जो है गग्गल पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इसके साथ ही जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है उसके तहत 619 टैबलेट्स जो हैं वो सीज की गई हैं, उसको फर्दर ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें जो भी वायलेशंस पाई जाएंगी तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन में तरुण पठानिया जो कि लाइसेंस होल्डर है उनको अरेस्ट किया गया है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, फर्दर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। PP मेडिकोज मेडिकल स्टोर, इस नाम से ये स्टोर जो है गग्गल में लंबे अरसे से चल रहा है। पुलिस इसमें फर्दर जो है जो इलीगली विदाउट स्टॉक और इलीगल तरीके से ये ड्रग्स स्टोर में किससे सप्लाई हुए हैं और क्या इनका सोर्स रहता है उस पर हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक द्वारा ही हमसे शेयर की गई है और मुझे उम्मीद है इसी तरह हमें कांगड़ा की प्रबुद्ध जनता का कॉपरेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आगे भी इस तरह के और जो नेटवर्क वे में और एक पूरे सुन ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही है उस पर हम आगे भी अच्छी कार्रवाई और कर पाएंगे।